कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। थैंक यू सो मच जो जो लोग मेरा व्लॉग देखते हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जो मेरा व्लॉग देखते हैं बट उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो प्लीज़ अगर आप अभी भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और आप जब भी लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, मुझे हमेशा नोटिफिकेशन आ जाता है। ये देखें जी बच्चों के मैंने कपड़े निकाले हैं चेंज करने के लिए। आयजा और लीजा की सेम शर्ट है, ये माविया के कपड़े, और हम होने लगे हैं रेडी। ये देखिए जी, हम लोगों ने यहाँ भी अपना चैनल लगाया हुआ है ताकि हम बिल्कुल भी बोर ना हो, और होटल वालों को भी पता चलना चाहिए कि हमारा चैनल है। लिटरली हमने इनके लिए भी अपना चैनल चलाया हुआ है इनके यूट्यूब पे। ये लें जी, रेडी होने का टाइम हो गया। कल, अच्छा जी, कल को हम स्विमिंग पूल पे जाएंगे। मेरे बच्चे रेडी हो गए माशाल्लाह। अच्छा क्या कह रहे मेरा बेटा? देखिए अब तो मेरे छोटे से बेटे ने भी कह दिया है कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आप न्यू व्यूवर है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, थैंक यू सो मच। यहाँ पे हम लोग आ गए थे स्विमिंग पूल पे। कल मैं बहुत जल्दी आ गई थी क्योंकि बच्चे ज़िद कर रहे थे, इसलिए मुझे जल्दी आना पड़ा था। लेकिन कल यहाँ पर थोड़ी सी धूप थी तो मुझे तो गर्मी लग रही थी, बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी, क्योंकि ओबियसली आउटडोर होता है, आउटडोर में शाम के टाइम में सब चीज़ें बेहतर लगती हैं। तो आज मैं यहाँ पर थोड़ा सा लेट आई थी, बिल्कुल भी सन नहीं था, बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे माशाल्लाह माशाल्लाह इवन। लेकिन अलीज़ा नहीं जाना चाह रही थी बिल्कुल भी पानी में, पता नहीं क्या वजह थी, ये बिल्कुल भी पानी को टच भी नहीं करना चाह रही थी। हमने भी फिर इसको बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया, ये बस पूल के इर्द गिर्द ही घूम घूम के खेल रही थी। अभी भी देखें कितना किनारे पे चल रही है, तो मुझे थोड़ा एहतियात करनी पड़ रही थी ताकि, क्योंकि काफ़ी डीप था। जो बच्चों वाला एरिया है वो सिर्फ बच्चों के लिए था, अदरवाइज़ जो इधर बाकी पूल है वो काफ़ी ज़्यादा डीप था। इवन आसिम के भी नीचे पाँव नहीं लग रहे थे, वो इतना ज़्यादा डीप था। तो बस थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ी थी मुझे अलीज़ा की वजह से, लेकिन बाकी बच्चों की तो माशाल्लाह माशाल्लाह से मौज हुई हुई थी। तो मैं यहाँ पे बस अपनी तस्वीरें ले रही थी और बच्चों की थोड़ी बहुत वीडियो बना रही थी। लेकिन फिर अचानक से हमें याद आया कि हम लोगों ने प्लान किया हुआ था क्लॉक टावर जाने का, लेकिन बच्चे अभी भी खेलना चाह रहे थे। लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, जल्दी जल्दी से तैयार हो जाओ, बाहर निकलो, कि बच्चे पूल में चाहे जितना मर्जी देर नहाए, मैं इनको वापस रूम में लेके जाके दोबारा से नहीं ला के कपड़े पहनाती हूँ। तो ये भी थोड़ा एक काम होता है करने वाला है, क्योंकि आते हुए इनको कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, फिर जाने के बाद इनको दोबारा से नहीं ला के मुझे कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। तो बस यहाँ पर जल्दी से तैयार होकर हम लोग निकल आए थे क्लॉक टावर पर जाने के लिए। ये कल्बा में एक न्यू टूरिस्ट पॉइंट बना है, बहुत ही प्यारा था। इसमें आप इसके टॉप पे जा सकते हैं और आपको सिटी व्यू नज़र आ सकता है, तो एक अच्छी गुड लोकेशन है। और साइडों पे आपको कॉर्निश और माउंटेन व्यू सब कुछ माशाल्लाह इसमें से नज़र आ सकता है। हमें लग रहा था कि हमें देर हो गई है, क्योंकि हम लोगों ने इसके दो दफ़ा राउंड लिए थे, हमें समझ नहीं आ रही थी कि पार्किंग किस तरफ लगानी है। तो हमें लग रहा था कि बस अब सन चला जाएगा और हम लोग सिटी भी बिल्कुल इंजॉय नहीं कर पाएंगे, लेकिन शुक्र है फिर भी पार्किंग का हमें समझ आ गई कि हमने पार्किंग किधर लगानी है। तो उसके बाद हमारा बस ये था कि भागो भागो जल्दी जल्दी से करो, हमने बस किसी तरह से ऊपर पहुँचना है कि हम लोग ये सिटी भी इंजॉय कर सकें। तो ये देखिए, ये इसका वॉक अवे था, अभी अभी ओपनिंग हुई है, तो ये तस्वीरें वगैरह यहाँ पर लगी हुई हैं। ماشي ايش فعلوا في ما ماتوا محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته وتحلف صفاته يا بخت اللي فضلوا ماشي। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिटी व्यू बिल्कुल परफेक्ट लाइट के साथ एंजॉय किया, ना ही बहुत ज़्यादा धूप थी, ना ही ऐसा था कि लाइट ज़्यादा चली गई थी, तो हमें तो बहुत मज़ा आया। हम यहाँ पे काफ़ी देर तक खड़े रहे थे, देखिए एक तरफ से बिल्कुल कॉर्निश नज़र आ रहा है और एक तरफ से बिल्कुल सिटी व्यू नज़र आ रहा है, तो बहुत ही प्यारी डेस्टिनेशन थी। कल भाई छोटा सा टाउन है, यहाँ पर ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं हैं, छोटी छोटी बिल्डिंग्स हैं, दो तीन फ्लोर की ही हैं, तो बहुत ही प्यारा था, छोटा सा टाउन था। हमें तो बहुत मज़ा आया यहाँ पर घूम फिर के। तो बस ये जब टावर से बाहर निकलते हैं तो इसके थोड़ा सा मतलब फाउंटेन्स बने हुए हैं, पार्क कह लें आप या ग्रीनरी कह लें, इस तरह का है ये फाउंटेन्स, बहुत प्यारे लग रहे थे। तो फिर हम नमाज़ पढ़ने के लिए इधर ही आ गए थे, हमने सोचा कि हम यहीं पे नमाज़ पढ़ लेंगे, लेकिन फिर पता चला कि सारी ग्रीनरी पे उन्होंने पानी लगाया हुआ, तो हम यहाँ नमाज़ नहीं पढ़ सकते, तो फिर हमें गाड़ी के पास जाके ही नमाज़ पढ़नी पड़ी थी।
तो ये देखिए यहाँ पे बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया था क्योंकि खुली जगह थी, बच्चों को तो वैसे भी खुली जगह अच्छी लगती हैं, तो ऊपर से फाउंटेन के पानी को टच करना, तो मेरे तो बच्चे पानी के वैसे ही दीवाने हैं, इनको तो जहाँ मर्जी जैसा मर्जी पानी दे दो ना, ये उसके साथ खेल लेंगे, इन्हें कोई मसला नहीं होगा। यह है अगले दिन की वीडियो। यहाँ पे हम लोग सुबह को नाश्ता करने के लिए जा रहे थे नीचे, तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हुए हुए थे क्योंकि यहाँ बच्चों के लिए बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं इनके खाने के लिए। मैं बच्चों के मोबाइल इसलिए साथ लेके आती हूँ क्योंकि तीन बच्चों को एक साथ हैंडल करना, इनको बिठा के रखना, इन्हें खाना खिलाना और फिर बूफे से खाना लेके भी आना तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि बच्चे फिर आपके पीछे पीछे आते हैं। तो इस तरह ये कि मैं इनको मोबाइल लेके बिठा देती हूँ तो ये अपनी जगह पे बैठे रहते हैं और फिर मैं इनको इनकी पसंद का खाना यहीं पर ला के दे देती हूँ। मेरे बच्चों को हैश ब्राउन बहुत पसंद है, ये ज़रूर यहाँ पर जाके खाते हैं, इवन मुझे खुद से बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो जब ख़त्म हो गए तो मैंने उनसे कहा कि नहीं भाई मेरे बच्चे तो यही खाते हैं तो मुझे और बना के दें, तो फिर उन्होंने मुझे और बना के मेरे ही टेबल पे पहुंचा दिया था, तो मैंने और बच्चों ने खूब एंजॉय किया था नाश्ता। ये देखिए जी, पता ही नहीं चलता दो तीन दिन कैसे गुजर जाते हैं, तीन दिन का पता भी नहीं चला, पैकिंग का हो गया टाइम। मैं ऐसे करती हूँ जैसा एक बैग था इसमें से कपड़े सारे यूज़ हो रहे थे, तो जो धोने वाले हो जाते हैं जो मतलब नहीं यूज़ करने होते ना, मैं उन्हें एक अलमारी में पहले से ही सेट करके रखना शुरू कर देती हूँ। इससे बजाय इसके कि बैग मैसी हो उसमें समझ ही ना आए साफ़ सुथरे कपड़े कौन से हैं, धोने वाले कपड़े कौन से हैं, मैं अभी सारे धोने वाले कपड़ों को सिर्फ एक ही बैग में डालूंगी, इस वाले बैग में, बाकी सारी चीज़ें निकाल लूंगी। तो इस तरह घर जाके मुझे अनपैक करने में बहुत आसानी होती है, मुझे पता होता है ये इस बैग में सारे कपड़े धोने वाले हैं या सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैंने वॉश करना है। ये देखिए मेरे बच्चे माशाल्लाह, मैं उनको आते ही बता देती हूँ कि हमने शूज़ यहाँ पे रखने, जिस भी होटल जाते हैं मैं उन्हें एक ही दफ़ा बता देती हूँ कि हमने शूज़ यहाँ पे रखने, माशाल्लाह वो खुद से ही आके अपने शूज़ यहाँ पे उतार देते हैं, तो मुझे वो भी मुश्किल नहीं होती है अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी हम हर चीज़ जगह पे रखी होती है। और ये हैं जी सारे मेरे भांडे जो कि धुल गए थे रात को, तो आज तो यार यूज ही नहीं हुए, रात को ना खाना खाया था तो यूज़ हुए थे, नाश्ता मैं अभी बाहर से करके आई हूँ। तो बस ये सब बर्तन भी हम लोग अपने रख देंगे जगह पे और मेरी पैकिंग हो जाएगी, अन्य तो छोटा सा काम होता है, अगर तरतीब से हर चीज़ जगह पे रखी हुई हो तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती है। चलो ओके कम लेट्स गो। कम बेटा कम आ जाओ पीछे, ब्लैंकेट दे दे ले ले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये वाला विजिट बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। इसकी एक वजह ये भी थी क्योंकि आसिम की जब भी ट्रेनिंग इस तरह कहीं आउट ऑफ सिटी होती है तो इनका शेड्यूल बहुत टफ होता है, तो शाम को हमारे साथ बाहर नहीं जा पाते हैं, लेकिन इस बार इनका शेड्यूल थोड़ा सा बेहतर था तो हम लोगों ने दोनों दिन हम लोग बाहर गए, हमने इंजॉय किया शुक्रमदुल्लाह, बहुत मज़ा आया। यहाँ पे हम लोगों ने अलीजा के पास से उसकी चूसो ली हुई थी, चूसो मीन उसकी जो पेसिफायर होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुँह में लेने लग गई है, तो हम लोग अब कभी कभी कोशिश करते हैं कि छुपा देते हैं, वो रोती है अभी भी, इसकी आंखें देखें, इसकी पलके देखें, वो कैसे रो रही थी कि मुझे मेरी चूसो दे दो ना। हमने खैर इसको थोड़ी देर बाद दे दी थी क्योंकि इसको नींद आ रही थी और ये चूसे लिए बगैर नहीं सोती अपनी। तो यहाँ से हम लोगों ने सीधा जाना था किसी के घर, इन हम लोगों की वहाँ पे दावत थी जो कि बहुत अच्छी रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद वहाँ पे हम लोगों ने लंच किया था, फिर हम लोग अपने घर आ गए थे शुक्रमदुल्लाह, खैर खैरियत से मैं अपने घर आ गई थी। ये मैं वॉइस ओवर अपने घर बैठ के कर रही हूँ और अपनी वीडियो अपलोड करूँगी अपने घर से इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, मेरी वीडियो जब भी देखें मेरे और मेरे बच्चों के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।